दोस्तों, भारत में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उससे पहले गुजरात के गांधीनगर में सोमवार को G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसके आउटकम डॉक्यूमेंट यानी परिणाम दस्तावेज पर रूस ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यूक्रेन युद्ध के संदर्भ को शामिल करने को रूस ने खारिज कर दिया। रूस ने कहा कि जियोपॉलिटिकल पैरा 13 को शामिल करना G20 जनादेश के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही चीन ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। आइए समझते हैं इसके बारे में सब कुछ, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए ला सके। दोस्तों, दरअसल दस्तावेज में कहा गया है कि G20 CSAR यूक्रेन के खिलाफ रूसी संघ की आक्रामकता की कड़े शब्दों में आलोचना करता है और यूक्रेन के क्षेत्र से उसकी बिना शर्त वापसी की मांग करता है। ज्यादातर सदस्यों ने यूक्रेन युद्ध की कड़ी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि इससे भारी मानवीय पीड़ा हो रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूदा कमजोरियां बढ़ रही हैं, विकास बाधित हो रहा है और दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, सप्लाई चेन भी बाधित हुई है। दस्तावेज में कहा गया, स्थिति और प्रतिबंधों के बारे में अन्य विचार और अलग अलग आकलन थे, यह मानते हुए कि G20 सुरक्षा मुद्दों को हल करने वाला मंच नहीं है। हम ये स्वीकार करते हैं कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है। चीन और रूस पहले भी यूक्रेन युद्ध की आलोचना वाला पैराग्राफ शामिल करने पर आपत्ति जता चुके हैं। दोस्तों, शिखर सम्मेलन से पहले सिर्फ 3 और बैठकें आयोजित होनी है। G20 शेरपाओं की 3 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में बैठक होगी। यहां वो एक साथ मिलकर सदस्य देशों के नेताओं की ओर से अपनाए जाने वाले प्रस्तावित परिणाम दस्तावेज पर मतभेदों को दूर करने का आखिरी प्रयास करेंगे। पश्चिमी देशों की ओर से जोर देकर कहा गया है कि दस्तावेज में यूक्रेन युद्ध से जुड़ा एक पैराग्राफ होना चाहिए। पश्चिमी देश ये भी चाहते थे कि इसमें यूक्रेन शामिल हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। 7 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आएंगे, 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक प्रस्तावित है। इसके साथ दुनिया के कई बड़े नेता नई दिल्ली आ रहे हैं। अवसर और समय देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और देश की घरेलू राजनीति को बड़ा संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री का ये संदेश G20 में भारत की रणनीति की तरफ संकेत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत जम्मू कश्मीर हो या अरुणाचल, कहीं भी G20 की बैठक कर सकता है। ऐसा कहकर PM मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री का यह वाक्य काफी महत्वपूर्ण है। कश्मीर का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने जहां पाकिस्तान को संदेश दिया है, वहीं अरुणाचल को लेकर नया नक्शा जारी करने वाले चीन को भारत की संप्रभुता के बारे में बताया है। चीन के साथ लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है। गौरतलब है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने को लेकर चीन ने कोई साफ संकेत नहीं दिया है। संभावना यही है कि शी जिनपिंग के प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री ली छयांग अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोस्तों, लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अपने इस बयान के जरिए प्रधानमंत्री ने देश की घरेलू राजनीति को भी संदेश देने की कोशिश की है। उनके संदेश से साफ है कि भारत अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों की गैर जरूरी नाराजगी की कोई परवाह नहीं करता। देश की एकता, अखंडता और इसकी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत न तो दबता है न झुकता है, अपने रास्ते पर चलता रहता है। उन्होंने इसी प्रतिबद्धता के साथ G20 का नारा वसुधैव कुटुंबकम पर भी अपना पक्ष रखा। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बारे में चीन के आखिरी फैसले का सभी को इंतजार है। G20 की स्थापना दुनिया को आर्थिक रफ्तार देने के इरादे से 1999 में हुई थी। इसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख कारक के रूप में प्रमुख राष्ट्र इससे जुड़े। 2022 में इसकी मेजबानी इंडोनेशिया ने की थी। इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एशिया में चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका के साथ जारी ट्रेड वॉर के दौर में वो खुद को उसके समानांतर समझता है, जबकि भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। दोस्तों, PM ने भरोसा दिया है कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था के क्लब में शामिल हो जाएगा। G20 का भारत में आयोजन भी इस दिशा में अहम कड़ी माना जा रहा है। इस तरह का आयोजन पाकिस्तान में हो पाना काफी दूर की बात है। चीन की नज़र भारत के इस उभार पर टिकी है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश और अर्थव्यवस्था के आंकड़े पर गौर करें तो COVID-19 संक्रमण काल के बाद से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का भारत में निवेश का रुझान बढ़ा है। इसके समानांतर चीन की अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने या न आने पर संशय के बादल है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत को खास तवज्जो दे रहे हैं। जो बाइडेन नई दिल्ली 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी पूरी हो गई है। रिहर्सल भी लगातार हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति और यूरोप के शिखर नेता नई दिल्ली में सम्मेलन में हिस्सा लेने की पीरू तैयारी कर चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संवेदनशील समय, यूक्रेन के साथ तनाव और तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर आने में असमर्थता जताई है। उनके प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव यहां होंगे।
दूसरा बड़ा संशय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर बना हुआ है। प्रधानमंत्री ली छयान के उनके प्रतिनिधि के तौर पर आने की चर्चा है, लेकिन मेजबान भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली शानदार तरीके से G20 शिखर सम्मेलन के संपन्न होने की हर कसर पूरी करने में व्यस्त है। दोस्तों, शी जिनपिंग के न आने का अभी कयास भर है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री ली छयान उनके प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होंगे। इस चर्चा का आधार प्रधानमंत्री ली छयान का दक्षिण पूर्वी एशिया सम्मेलन में भाग लेना है। माना जा रहा है कि वहां के बाद ली भारत में आएंगे और G20 में प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा लेंगे। शी के दौरे के बारे में चीन के विदेश मंत्रालय ने अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही छवि G20 की मेजबानी को चीन के साथ एक प्रतिस्पर्धा के तौर पर देख रहे हैं। भारत एशिया में चीन के बाद सबसे महत्वपूर्ण देश है। इसके समानांतर चीन अर्थव्यवस्था की बड़ी चुनौती के दौर से गुजर रहा है। भारत के साथ सीमा संबंधी विवाद है और लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्र में उसकी सेना बड़ी संख्या में तैनात है। चीन ने G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले नक्शा भी जारी किया है। इस नक्शे में उसने अपने कई पड़ोसी देशों के भूभाग को अपना दिखाया है। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग के देश में ये प्रयास अपने नागरिकों का ध्यान भटकाने के लिए किया है। उसके इस प्रयास से कई पड़ोसी देश चीन की आलोचना कर रहे हैं। ये चीन की एक पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा बताया जा रहा है। वैसे भी चीन और अमेरिका ट्रेड वार के दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका भारत को अपने महत्वपूर्ण और विश्वसनीय सामरिक साझेदार की श्रेणी में रखता है। इसलिए माना जा रहा है कि सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग अनुपस्थित रहकर एक तीर से कई शिकार की योजना पर काम कर रहे हैं। इसके पीछे G20 शिखर सम्मेलन की भारत में मेजबानी की चमक को फीकी करने की योजना भी संभव है। दोस्तों, शी जिनपिंग के G20 शिखर सम्मेलन में न आने के नफा और नुकसान दोनों है। माना जा रहा है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में शी जिनपिंग की भारत में उपस्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वो परिस्थिति और मुद्दों के कारण आकर्षण का मुख्य केंद्र हो सकते थे। ऐसे में शी जिनपिंग के न आने से G20 शिखर सम्मेलन का केंद्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और दूसरी तरफ केंद्रित रहेगा। विदेश और कूटनीति के जानकारों का कहना है कि भारत का पड़ोसी देश चीन स्वयं को अमेरिका के समानांतर समझता है। अमेरिका और चीन के बीच कई मोर्चे पर द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद से चीन को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस का रहस्यमय सहयोगी बताया जा रहा है। भारत के साथ लद्दाख क्षेत्र में उस पर सेना को पीछे ले जाने का दबाव है, तो ताइवान में चीन की आक्रामक नीतियों पर अमेरिका खुलकर चेतावनी दे रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि चीन संभावित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव को देखकर अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इससे भारत को अपने हितों, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं पर चर्चा के समुचित अवसर से भी वंचित रहना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे सम्मेलन की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पुलिस प्रशासन की तैयारियां भी जोरों पर है। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में NSG कमांडो और स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। साथ ही एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन बनाया है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए हिंडन एयरपोर्ट से UP गेट तक 150 कट बंद किए जाएंगे, जिससे विदेशी मेहमानों की कारों का काफिला बिना रुके सीधे दिल्ली पहुंच सके। वहीं विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में NSG कमांडो और स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। दोस्तों, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नए और रोचक वीडियो के साथ वापस आ रहे हैं। धन्यवाद और फिर मिलते हैं।